नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि अभी अभी की जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, पहले खबर क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ सोनू पांडे जी समाज सेवी बने हैं और आज हमारे एसटीजी न्यूज चैनल पर आए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका आने का वजह क्या और हमने इनको क्यों बुलाया। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं कि सोनू पांडे जी खुद सैनिटाइज कर रहे हैं, एक करागर के रहने वाले हैं, सासाराम के आसपास में है, जहां के मीरा कुमार थी कांग्रेस से, स्पीकर थी लोकसभा की, वहीं के रहने वाले हैं और जिस तरह से खुद आ रहे हैं समाज में और अपने हाथ में लेकर सैनिटाइज कर रहे हैं। पहले तो सोनू पांडे जी से मैं, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत सोनू पांडे जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपको ये कब समझ में आया कि मुझे सैनिटाइज करना चाहिए? दूसरी चीज इसमें यह है कि आप खुद का पैसा है या फिर प्रशासन ये करवा रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप हमें आज लाइव अपने चैनल के लिए। आपका जो सवाल है कि देखिए, हम 10 वर्षों से ना मेरा कोई एनजीओ है और ना ही हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा हम अपने तरफ से करते आते हैं। जितनी मेरी आर्थिक स्थिति होती है, जितनी मेरी क्षमता होती है, उसके अनुसार मैं समाज की सेवा में लगा रहता हूँ। ये मेरी अपनी खुद की खर्च है और इसके बारे में क्या आप पूछना चाहेंगे? अच्छा सोनू पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको कब जहन में आया कि आपको ये सैनिटाइज कराना चाहिए? क्यों आपको ये दिमाग में क्यों आई? ये तो प्रशासन भी कर सकता था, लेकिन आपने खुद अपने हाथों से, ठीक है, आप एक समाज सेवी हैं और आपके सामने कुछ लोग भी हैं जो पुलिस वाले भी हैं, आपके जहन में कब आया कि हमें कुछ समाज के लिए करने चाहिए? देखिए, मैं लगातार 10 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहा हूँ। इस सैनिटाइजर के आपने क्यों करा? सैनिटाइज जो करा रहे हैं, आपके जहन में क्यों आया? आप तो पता है कि 10 सालों से आप कर रहे हैं, काफी दिनों से आपने बताया कि निस्वार्थ में लगा हूं, इसका कोई मोटिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि मुझे कहीं पॉलिटिक्स में जाना है, मैं समाज के लिए करते रहता हूं। मैं इस वीडियो से माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे कितने सोनू पांडे जी और भी होंगे जो सोच रहे होंगे, जो कि आज सोनू पांडे जी कारागार में खड़े हैं और इसको सैनिटाइज कर रहे हैं। एक कहीं गांव में भी हो, कहीं आसपास में, अपने समाज में सुधार के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। जी देखिए, हम टीवी चैनल पे इस समय तो लॉकडाउन में सभी लोग घर में रह रहे थे। हम देखे हर जगह सैनिटाइज के बारे में सभी लोग बता रहे हैं कि ये इससे हाथ धोइए, इसे हर जगह गांव गली में मोहल्ले में छिड़किए। तो मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि मैं क्यों नहीं इस समय इसी कार्य में लग जाऊं, और मैं लग गया हूं और लगा रहूंगा। अच्छा सोनू पांडे जी, एक बात बताइए, आपके जैसे बहुत लोग समाज होंगे जो समाज की सेवा करना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनको? उनको क्या, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कैसे, मतलब थोड़ा बताइए, कुछ सोच रहे हैं तो इससे बड़ा देशभक्ति कुछ हो सकती है क्या? लॉकडाउन है, खाने के नहीं है, आप अपने बजट से ऐसे समाज में कर रहे हैं, ये तो मुझसे लगता है कि इससे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं हो सकती है। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपये सभी लोगों को, आम लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद 3-3 महीने का अनाज भी उन लोगों के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और खाने और पीने की जहाँ व्यवस्था है, मैं जितने समाज सेवी जो अपने आप को समझते हैं या मानते हैं, मैं उन लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने अगल बगल जो खाने पीने बिना भूखे मरे, उनकी अपने आप से मदद करें, उन पर विशेष ध्यान दें। अच्छा सोनू पांडे जी, आपको क्या लगता है कि कितने लोग समाज सेवी ऐसे हैं कि अब भी लोगों को खाना खिला रहे हैं? जिस जगह पर आप हैं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा मैं मान लूं कि सभी लोगों को खाना मिल रहा है? ये मैं कहना अगर सही है, या ना तो फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी वो किसका क्या वजह है? अभी 2-3 दिन पहले कुछ बंजारे लोग आए थे करागर के एक बस्ती में, जहाँ पे हमारे जिला प्रशासन द्वारा उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है लगातार। यानी आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए? जी जी, प्रशासन अपनी पूरी तरह काम में लगी हुई है। हम अपने तरफ से जो जितनी मेरी क्षमता है सेंट्रलाइज करा रहे हैं, अपने तरफ से जितना होगा उतना करेंगे, पूरे जिले में करेंगे, इसी अभियान में हम लगे हुए हैं। करागर की क्या हालात है, आपको क्या लगता है कि सभी लोगों को सुविधा मिल रही है कि कुछ कमियां हैं? लेकिन जिस तरह हमारे जिलाधिकारी काम कर रहे हैं करागर ही नहीं पूरे जिले में, अभी तो वैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ इसकी सूचना मिल रही है वहाँ पे जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, आरक्षी अधीक्षक है, वो तुरंत वहाँ पे कुछ न कुछ व्यवस्था इंतजाम कर रहे हैं।
अच्छा सोनू पांडे जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो वीडियो आई है, जिस आप एरिया में हैं वहां पर ठीक है माइनॉरिटी रहते हैं जिनके ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, जहां तक मैं वीडियो में समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग टहल रहे हैं, वहां पर जो मास्क है वो नहीं पहन रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए देखिए, हम तो अचानक दही घूमा गई बस्ती में गए, वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे जो आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, उन लोगों को हम बताए कि आपको अगर मास्क नहीं मिला है, सरकार मास्क भी उपलब्ध करा रही है, अगर नहीं मिला है तो आप लोग गमछी से या तौलिए से या रुमाल से अपना मुंह बांध कर रखते हैं, और आगे कोशिश की जाएगी कि हर लोग अपना मुंह ठक कर रहे हैं। अच्छा सोनू पांडे जी, जिस ग्रहगर में आप हैं, लॉकडाउन को कितना लोग फॉलो कर रहे हैं? लॉकडाउन को यहाँ पे, यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं, सीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, वो पूरी तरह दिन रात लगे हुए हैं लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे। लेकिन जो कल हमारी वीडियो आ रही थी सासाराम से, हमने किया था रिपोर्टिंग, वहां में देख रहे हैं कि सुबह शाम लोगों की तादाद, जैसे कि रोजा रोड हो गया, वहां पर काफी भीड़ लग रही है, ठीक है, लोग इस लॉकडाउन को कहीं ना कहीं, मैंने वीडियो में देखा, इमेज जो हमारे पास आ रही है, इसको कहीं ना कहीं लोग लाइटली ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ग्रहगर में भी या आपके आस पास गाँव में भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं तो थोड़ी नादानी कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए नादानी, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो नादानी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे, हम लोग की सभी लोग आपसी डिस्टेंस बना के रखें। देखिए अभी हाल ही में आज की खबर है, हमारे सटे निकटवर्ती जिला जो है बक्सर जिला में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चार लोगों के आज शायद न्यूज आई है बक्सर से कि चार लोग लोग जो जिहाद से जुड़े हुए हैं, तबलीगी जमात से, शायद मैं सही हो सकता हूँ या मतलब कुछ खबरें वहां से निकल के आ रही है, आप इसके बारे में बोलना चाह रहे हैं? अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप बताइए। देखिए इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं अभी न्यूज चैनल पे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ही देख रहा हूँ, अभी सूचना मिली है, वहाँ पे अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री जो है लगातार जिलाधिकारी से संपर्क में है और उन लोगों का इलाज चालू हो गया है, और जितने लोग वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे सभी लोगों का जांच अभियान चालू है और जल्द ही खोज निकाले जाएंगे। अच्छा सोनू पांडे जी, आपसे एक और क्वेश्चन समझना चाहूंगा, जो इसेंशियल आइटम है, जिन खाने पीने के चीज को, जैसे आपको सब्जी हो गया, किराने के सामान हो गया, वहां पर क्या कोई दिक्कत है या फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, या फिर उसके रेट में पहले से कुछ मतलब ज्यादा बढ़ गया है कि जो गरीबों लोगों के लिए खरीदना कुछ दिक्कत हो, ऐसा कुछ आप बताएं? नहीं, रेट वगैरह सभी जनरल स्टोर हो या सब्जी मंडी हो, या फिर सरकार द्वारा एक अलग व्यवस्था किया गया है, बाजार से हट के कुछ डिस्टेंस बना के सब्जी मंडी अलग लगाई जा रही है, वहाँ पे दर उचित दर पे ही सब्जी मिल रही है, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोनू पांडे जी, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, एक किसान का क्वेश्चन लेता हूँ, किसान का जो रबी फसल है आप उसको कैसे देख रहे हैं, उसकी कटाई में कोई दिक्कत हो रही है या फिर प्रशासन पूरा सहयोग कर रहे हैं? किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसान अपना पूरा गेहूं कटाई फसल सब कर लिए है, वो धुलाई फिक्र कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ना ही प्रशासन उन्हें दिक्कत कर रहा है। अच्छा सोनू पांडे जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, एक बार अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को अपील कीजिए कि क्या क्या हमें समाज के सुधार करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो सोच रहे हैं कुछ समाज में करने के लिए, आप दो तीन पॉइंट उनको बताइए, जो आप सोचते हैं वही सोच उनके दिमाग में डालिए कि वो भी कुछ समझे। देखिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लॉकडाउन का लगाया गया है पूरे देश में, ये एक सराहनीय कदम है, मैं सभी आप लोगों से, जितने भी हमारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं, मैं लोगों से यही अपील करूंगा, इसका सख्त से सख्त पालन करें। जिस तरह अमेरिका में जो हादसा हुआ है, इतनी हर सब देशों की हालत खराब है, उसके अपेक्षा हम लोग बहुत लॉकडाउन से सुरक्षित है, और इसी तरह 3 मई तक हम लोग पालन करें जब तक प्रधानमंत्री का आदेश नहीं आ रहा है। मैं सभी जितने हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी नेतागण हैं, सभी लोग हैं जो मेरे साथी हैं, मैं उन लोगों से यही अपील करूंगा लॉकडाउन में सुरक्षित रहे, घर में। अच्छा सोनू पांडे जी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, क्या आपको आगे जाकर राजनीति किसी पार्टी को ज्वाइन करना है कि मैं सोनू पांडे जी के एक समाज सेवी के ही रूप में हमेशा देखूंगा? देखिए मैं जो कर रहा हूँ उसमें जो हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए कि अभी तक जितना तक हमारी टीम आपको जानती है, समाज सेवी सोनू पांडे के नाम से जानती है।
या फिर ये आगे कंटिन्यू रहेगा कि समय के साथ आपको कुछ माइंड में है, इसलिए कि सब लोग सोचते हैं, इसलिए कि उनको जवाब मिल जाए। ये आपकी मर्जी है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते, आपकी मर्जी। नहीं 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 देखिए बता रहे हैं, जो देखिए आप अगर किसी पार्टी से अगर हम जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे जो राजनीति है वो कुछ अलग तरीके की रुख ले लेगी। जो हमसे आज अच्छे से बात कर रहे हैं, हम राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते हैं, आगे भगवान की इच्छा हो तो देखेंगे, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मजा हमें समाज सेवा करने में मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो लोग हमें प्यार करते हैं, यही मेरे लिए काफी है। सर उसी प्यार के लिए तो आपको एसटीजी न्यूज चैनल आमंत्रित किया कि आप निस्वार्थ काम करते हैं समाज के लिए, यही हम देखकर आपको आपके हमारे अपने चैनल को बुलाया गया एसटीजी न्यूज चैनल पर कि आपसे इस तरह से आप 10 सालों से जुड़े हुए हैं निस्वार्थ। नहीं तो लोगों का मकसद राजनीति ही होता है अगर समाज सेवा से वो आते हैं। कई सारे चीजें जैसे प्रसिद्ध न्यूज आप देख लीजिए, बहुत 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 लोग हैं जो एनजीओ चला रहे हैं, उन लोग हमें बुलाते हैं कि आइए और हमारे एनजीओ में ये बन जाइए वो बन जाइए, मैं उन लोगों से इस मामले में कुछ बात ही नहीं करता हूँ। अच्छा सोनू पांडे जी, एक आपसे क्वेश्चन लेता हूँ कि जैसे कि आपने ग्रहघर में आपने भोजपुरी गीतों का एक स्टूडियो खुलवाया है, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ी है या फिर कंट्रोल हुआ है, या पहले से कुछ सुधार है कि सुधार करने की जरूरत है, इसलिए कि आप भोजपुरी के भी अच्छा सपोर्टर हैं जहां तक हम जानते हैं। देखिए स्टूडियो हम खुलवाए नहीं है, एक हमारे बगल के मिथिलेश पांडे सिंगर है वो शायद खुलवाए हैं यहाँ पे, लेकिन अश्लील गानों पे तो सख्त पाबंदी लगनी ही चाहिए, इसके मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। और जो भी मतलब भोजपुरी तो हमारी यहाँ की समझ लीजिए कि संस्कृति है, पहचान है, इसमें अश्लील गानों पे हमेशा रोक लगनी चाहिए, इसके मैं विरोध हमेशा करता आ रहा हूँ और करता रहूंगा। सोनू पांडे जी, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए, आपने अपनी बातें रखी, बहुत सारे चीज आप लोगों को बताई, इससे लोगों को फायदा होगा, समाज में बदलाव आएगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इससे ज्यादा और कुछ आपको नहीं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर।